गाइस आज हम बात करेंगे यूएनआई कंपनी की तरफ से न्यूली लॉन्च किया गया स्नैप सीरीज नेकबैंड के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है गाइस UINB2214। ये नेकबैंड बजट फ्रेंडली प्राइस में मार्केट पे लॉन्च किया है एंड गाइस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये नेकबैंड का जो क्वालिटी एंड डिजाइन है गाइस, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं आप आज तक कोई भी नेकबैंड में नहीं देखे हो। तो गाइस और एक बार सबको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मोबाइल एक्सेसरीज पे। तो कैसे आप लोग, आशा रखते हैं गाइस आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी ठीक ठाक हूं। गाइस ये नेकबैंड का जो मार्केट प्राइस है गाइस, ये अंडर 800 रुपीस में आपको मार्केट पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। सो गाइस आप अगर पॉकेट बजट में बेस्ट ब्लूटूथ नेकबैंड को परचेस करना चाहते हो तो गाइस सीरियसली आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना एकदम मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए गाइस और बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का अनबॉक्सिंग और रिव्यू एंड जान लेते हैं गाइस आज का जो स्नैप सीरीज का नेकबैंड है असल में इसका क्वालिटी कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा गाइस यूएनआई कंपनी की तरफ से न्यूली लॉन्च किया गया स्नैप सीरीज नेकबैंड। बॉक्स पैकेजिंग के ऊपर इसका जो मॉडल नंबर है एंड सीरीज का नाम है वो आप साफ देख सकते हो गाइस। कुछ ऐसा वाला खास बॉक्स पैकेजिंग में आपको मार्केट पे अवेलेबल भी मिलने वाले हैं। पैकेजिंग के पीछे वाले हिस्से में अगर आए तो गाइस आप देख सकते हो इसमें लिखा है इंडिया का ब्रांड इंडिया के लिए, जो बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। पैकेजिंग के ऊपर कंपनी ने जो प्राइस मेंशन करके रखा है वो है 3999, लेकिन गाइस ये आपको 800 रुपीस में मार्केट पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। पैकेजिंग काफी कूल है। चलिए बॉक्स पैकेजिंग के ऊपर वाला हिस्से को अलग करते हैं। पैकेजिंग के ऊपर वाले हिस्से को अलग करने के बाद कुछ ऐसा वाला इंटरफेस आपका सामने आएगा। शाहिद कपूर का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, जो फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर है यूएनआई का। चलिए एक बार जान लेते हैं नेकबैंड का प्रेजेंटेशन के बारे में। तो गाइस इस नेकबैंड के साथ आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड टॉकिंग टाइम इसमें 30 आवर्स एंड म्यूजिक टाइम 30 आवर्स लिखा है, लेकिन गाइस 25 आवर्स तक टॉकिंग एंड म्यूजिक टाइम आपको मिलने वाला है। स्टैंड बाई टाइम जो 600 आवर्स का है, एक काफी अच्छा है। नेकबैंड को फुल चार्ज होने में गाइस 1.5 आवर का टाइम लगता है। चार्जिंग टाइम जो टाइप सी का दिया हुआ है, जो भी काफी अच्छा है। यूएनआई का और किसी नेकबैंड में टाइप सी का पोर्ट नहीं दिया हुआ है। बैटरी कैपेसिटी 210 mAh का आपको मिलने वाला है। बॉक्स पैकेजिंग के लोअर एंड अपर साइड में बैंडिंग जो सील है कंपनी का, वो आपको साफ नजर में आ जाएगा। नीचे वाला जो सील है गाइस, ये आपको ब्रोकन नजर में आएगा, क्योंकि गाइस ये नेकबैंड जब मेरा पास आया था तो गाइस एक दिन का टेस्ट करने के लिए गाइस मैं सील को पहले से ब्रोक करके रखा था एंड गाइस यूज करने के बाद मैं फिर से इसको पैक करके रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए गाइस नेकबैंड को और एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकेजिंग के अंदर गाइस मुझे मिला एक टाइप सी का डेटा केबल, जो 1.5 एम्पीयर चार्जिंग सपोर्ट करता है। यूएनआई का यही पहला एक नेकबैंड है जिसमें गाइस टाइप सी पोर्ट यूज किया है कंपनी ने। गाइस इस डेटा केबल से आप इस नेकबैंड को आराम से चार्ज कर सकते हो। बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका सामने आएगा। नेकबैंड जो है एक कंटेनर में है। कंटेनर में इस नेकबैंड का जो मॉडल नंबर है OV गाइस लिखा हुआ है। चलिए नेकबैंड को कंटेनर से अलग कर लेते हैं। तो ये रहा गाइस स्नैप सीरीज नेकबैंड का पहला इंप्रेशन। अगर बात आए गाइस इसका डिजाइन के बारे में तो गाइस इसका जो डिजाइन है बहुत ही कूल एंड यूनिक है। ऐसा डिजाइन मैं अभी तक और किसी नेकबैंड में नहीं देखा हूं। तो गाइस डिजाइन बहुत ही यूनिक है। नेकबैंड का जो डिजाइन है गाइस, ये डिजाइन काफी हेवी फील कराता है, लेकिन गाइस बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये नेकबैंड पूरा लो वेटेड है। नेकबैंड का साइनिंग भी बहुत ही दमदार है, लेकिन ये साइनिंग कब तक चलेगा गाइस ये मुझे भी पता नहीं है। नेकबैंड का लेफ्ट साइड में यूएनआई का जो ब्रांडिंग है गाइस, ये आप साफ देख सकते हो एंड दूसरी साइड में इस नेकबैंड का जो मॉडल नंबर है OV प्रिंटेड नेकबैंड के ऊपर लिखा हुआ है। एंड गाइस राइट साइड में नेकबैंड का कंट्रोलर पैनल भी आपको नजर में आ जाएगा। अगर बात आए नेकबैंड का फिजिकल ओवरव्यू के बारे में तो गाइस पहले कह दूं कि इसका जो बिल्ड मटेरियल है बहुत ही तगड़ा है। बिल्ड मटेरियल पूरा प्लास्टिक का है एंड बिल्ड का जो फिनिशिंग है गाइस वो भी काफी जबरदस्त है। लेकिन गाइस नेकबैंड का जो साइनिंग है ये मेरे हिसाब से ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। बैंड के ऊपर कंपनी ने एक टैग भी लगाया है, जैसे OnePlus एंड Realme जैसा कंपनी ने लगाता है। कम से कम एक टैग देख के आपको ये पता चल जाएगा कि नेकबैंड मार्केट पे कब आया था। तो गाइस ये चीज अच्छा ही है। गाइस नेकबैंड के बैंड क्वालिटी के बारे में तो गाइस ये जो नेकबैंड का बैंड है गाइस ये पूरा सिलिकॉन में बना है एंड गाइस इसको आप 60 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड गाइस बहुत दिन तक ये लास्टिंग भी करेगा। नेकबैंड का जो बैंड डिजाइन है गाइस ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो बैंड डिजाइन है कॉलर पे ठीक तरीके से बैठा है एंड गाइस बहुत ही अच्छा लुक भी दे रहा है। हर किसी के गले में ऐसे ही ठीक तरीके से बैठेगा एंड गाइस बहुत अच्छा लुक देगा, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। नेकबैंड के साथ कंपनी ने जो वायर यूज किया है वो पूरा टेंगल वायर का है। बेसिकली गाइस ये टेंगल वायर बहुत दिन लास्टिंग कर जाता है। तो गाइस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो वायर है ये भी काफी अच्छा है। नेकबैंड के साथ जो बार्स आपको मिल रहा है वो भी काफी अच्छा क्वालिटी में देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस ये जो बार्स है पूरा मेटल हाउसिंग में है। तो गाइस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बार्स का जो क्वालिटी है ये भी बहुत ही खास है। बार्स के साथ जो मैग्नेट फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है वो भी गाइस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। नेकबैंड का जो बार्स है गाइस, बार्स में आपको 12 mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा, जो बहुत ही खास है एंड गाइस बहुत ही अच्छा क्लियर साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं।
इस नेकबैंड में आपको राइट एंड लेफ्ट फैसिलिटी मिलने वाला है। तो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं नेकबैंड को कैसे यूज करते हैं। नेकबैंड का राइट साइड बिल्ड के ऊपर गाइस आपको तीन स्विच देखने को मिलता है। पहला वाला जो स्विच है गाइस, इससे पावर ऑन ऑफ एंड गाइस आप कॉल अटेंड कर सकते हो। बाकी और जो दो स्विच है, इससे वॉल्यूम कंट्रोल एंड गाइस आप सॉन्ग चेंज कर सकते हो। तो चलिए नेकबैंड को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो पहला वाला जो स्विच है उसको आपको थोड़ा देर ऐसा प्रेस करके रखना पड़ता है, फिर जाके ऑन होता है। जैसे कि ये अब तक ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल लाइट दे रहा है। चार्जिंग के टाइम गाइस ये जो लाइट है ये रेड हो जाता है, एंड फुल चार्ज होने पे गाइस ये लाइट ब्लू हो जाता है। तब आप समझ लेना कि इसका चार्ज फुल फिल हो गया है। अब चलिए फोन का ब्लूटूथ से कर लेते हैं नेकबैंड को कनेक्टेड एंड सुन लेते हैं कोई भी अच्छे से म्यूजिक। साउंड क्वालिटी है गाइस सच में बहुत ही अच्छा है। इसमें बेस एंड ट्रेबल आपको इक्वल देखने को मिलता है। एंड गाइस इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही क्लियर साउंड क्वालिटी कंपनी ने इसके साथ प्रोवाइड किया है। तो गाइस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो साउंड क्वालिटी है बिल्कुल ठीक। अगर बात है नेकबैंड का कॉलिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो गाइस इसके साथ मेरा जो एक दिन का कॉलिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा है। एंड गाइस बहुत ही अच्छा क्लियर बातचीत इस नेकबैंड के साथ आप कर सकते हो। तो गाइस बातचीत करने के लिए भी ये नेकबैंड एकदम ठीक ठाक है, आप इजीली इसको परचेस कर सकते हो। आप अगर इस नेकबैंड को परचेस करना चाहते हो तो गाइस स्क्रीन पे एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जाके उस पे पिन कर सकते हो। नहीं तो गाइस मैं इंस्टाग्राम में भी हूं, इंस्टाग्राम में भी आप ऑर्डर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इज babai4715 है। ये छोड़ के गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अगर पसंद आए तो गाइस एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो लाने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।